तो ये हमारा बनता हुआ पनीर बटर मसाला। क्या बात है, पनीर बटर मसाला जो है हमारा यहाँ पे मेक हो रहा है चंदापुर के अंदर, सेक्टर 76 नोएडा। ये क्या यूज़ किया शेफ़ आपने? गार्लिक जिंजर पेस्ट, टोमेटो ग्रेवी, टोमेटो ग्रेवी इसके अंदर यूज़ हो गई है। ये कौन सा ग्रेवी यूज हुआ है? चॉप मसाला। ये चॉप मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है शेफ ने। हाँ जी, ये क्या ऐड किया है? काजू का पेस्ट, काजू का पेस्ट इसके अंदर ये ऐड हुआ है। सो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और देख सकते हैं आप कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका। अरे वाह, ये आप देख सकते हैं पनीर के मोटे मोटे पीस यहाँ पे चंदापुर पे आपको खाने के मिलेंगे। और ये इसके अंदर थोड़ा मिर्च ऐड हुआ, थोड़ा सॉल्ट ऐड हुआ। ये कौन सा मसाला ऐड हुआ? जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर ऐड हुआ था, ये किचन किंग मसाला इसके अंदर ऐड हुआ। और ये थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड हुआ, थोड़ा सा अदरक इसके अंदर ऐड हुआ। क्या बात है। तो अभी इसको पूरा कंप्लीट जो है मेक करेंगे। बहुत बढ़िया, शेफ ही इसके अंदर ऐड कर रहे हैं क्रीम। शेफ़ दिखाना ज़रा क्रीम ही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया एक क्रीम सामने लग रही है और कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं इनका किचन का आपको टूर कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइजीन इनका किचन है, साफ़ सुथरा काफ़ी इनका किचन है। और ये देखिए चंदा फूड, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सब जो इनके शेफ़ लोग हैं सब बना रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आई थिंक शायद ये हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट जो है हो चुका है। ये क्या ऐड किया था शेफ़ आपने बाद में? बटर। बटर यानी कि आप देखिए अमूल का भर भर के बटर जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं और कोई क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं आपका। और अभी होगा हमारा सर्व। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अरे वाह, क्या बात है शेफ़, एक बार दिखाना ज़रा। देखिए आप, मतलब बिल्कुल प्योर एकदम खाली हो चुका है और ये सारा का सारा आ गया है यहाँ पे आपको, और ये आपको टेस्ट करने के लिए मिलेगा। और थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग कर दी है शेफ़ ने। क्या बात है, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। अरे वाह, सो ये जो है फाइनल लुक इसका आ जाता है, पनीर बटर मसाला, चंदा फूड वालों का पनीर बटर मसाला। अरे वाह, क्या बात है, यूनिकनेस देखिए आप।